जालंधर से आप कौन से सन में मुंबई गए हो? सर मैं 89-90 में गया मुंबई। 89-90 में, तो उस वक्त का दौर जैसे हम लोग शुरू से सुनते हैं कि कपूर फैमिली का बड़ा दबदबा है फिल्म इंडस्ट्री पे, तो उस वक्त का जो दौर है तो कपूर फैमिली का दबदबा कितना कायम था या कोई नए चेहरे सामने आ चुके थे? सर मैं जानना कि मैं जब मुंबई गया तो राज कपूर जी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मेरी किस्मत है कि मैं शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर इनके साथ काम किया, बहुत शूटिंग कपूर की। उसके बाद उनके वो करण कपूर, रोहन कपूर, कपूर फैमिली में सबसे ज़्यादा जो मेरी ट्यूनिंग थी वो करिश्मा कपूर के साथ थी। करिश्मा कपूर जहाँ भी शूटिंग करती थी मुझे वहाँ बुला लिया करती थी। जितनी फ़ोटो की कलेक्शन मेरे पास है करिश्मा कपूर की, शायद ही किसी और के पास होगी। मुझे याद है मढ़ में शूटिंग फिल्म अंदाज अपना अपना की चल रही थी, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर के साथ थी करीना कपूर। तो मुझे याद है कि करीना कपूर और सलमान खान की फ़ोटो मुझे खींचने का मौका मिला, उस टाइम करीना कपूर छोटी थी। तो मुझे करिश्मा कपूर ने बताया कि मुझे हर चीज़ में करीना कपूर गाइड करती है, चाहे कोई ड्रेस हो, मेकअप हो, डांस का सीक्वेंस हो, तो हर चीज़ में मुझे करीना कपूर गाइड करती है। तो मुझे याद है फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही थी करिश्मा कपूर गोविंदा की, तो करीना कपूर से मैं बातचीत कर रहा था, मेरे दोस्त ने फ़ोटो खींचा वो जब छोटी थी, तो उस टाइम ऊपर से गोविंदा जी भी आ गए, तो मेरी एक वो यादगार पिक्चर भी है। तो करीना कपूर के मैं बचपन में बहुत सारे फ़ोटो खींचे, जबकि वो किसी को भी अपना फ़ोटो खींचने नहीं देती थी, मैंने उसके बहुत सारे फ़ोटो बचपन में खींचे। मुझे याद है जब वो बड़ी हो गई, फिर बाद में सलमान के हीरोइन बन के आई, तो ऐतराज़ पिक्चर की शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान में अक्षय कुमार के साथ, तो मैं वहाँ मिलने गया, तो उसके पुराने फ़ोटो जितने भी थे मैं लेके गया साथ में। तो उसने जब वो फ़ोटो देखे तो बहुत देख के बड़े खुश हुई, अपनी पुरानी जो फ़ोटो थी, पुराना यादगार, वो देख के बहुत हंस रही थी। करीना का जो अपना फिल्मी सफ़र है बहुत कामयाब है, कैरियर का ग्राफ देखें तो बहुत कामयाब है। फिर जब सैफ से शादी होती है करीना की, तो ये नेचुरल है कि लाइफ में बदलाव आते हैं। सो बॉम्बे में रहते हुए आप इन बदलावों को नज़दीक से देख सके हो? वो फर्क तो पड़ जाता है जी, करीना कपूर की जो बहुत सारी हीरोइनें हैं शादी करने के बाद फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ जाता है, लेकिन करीना कपूर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उसको शादी करने के बाद भी उसको फिल्में मिली, सलमान के साथ भी और भी फिल्में, लेकिन फिर उसका बेटा बच्चा हुआ तैमूर। मैं आपको उसके बच्चे के बारे में बताता हूँ। अच्छा। आज तक किसी हीरो या हीरोइन का जो बच्चा है ना, इतना एक्सपोज नहीं हुआ। अच्छा। जितना उसका बेटा होता है। हमारा जो फोटोग्राफर, हमारा स्टाफ जो काम करता है, वो हर रोज करीना कपूर के यानी बंगले के सामने, जब वो जहाँ भी जा रही आ रही है, जब उसकी जो सर्वेंट है वो तैमूर को लेके जाती है बाहर खेलने के लिए, बाग में जा रही है, कहीं भी उसको लेके जाती है, वो जो करीना का बेटा है ना, वो इतना कैमरा डेली फ़ोटो खिंचवाता है ना, डेली फ़ोटो खिंचवा के उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा। इतना तजुर्बा हो गया है कि वो 20 फोटोग्राफर खड़े हैं तो 20 को बारी बारी लुक देता है, फोटो खिंचा और बाय भी करता है, और तब तक वो लुक छोड़ता नहीं है
जब तक वो घर के अंदर चला नहीं था। अच्छा। वो उसकी जो सर्वेंट है भाई उसको अंदर लेके नहीं चली जाती तब तक वो कैमरे में ही देखता रहता और उसके डेली फोटोग्राफ्स होते हैं, डेली फोटोग्राफ हर अखबार मैगजीन में इंटरनेट पे हजारों फोटो आते हैं। तो मैंने आज तक देखा नहीं किसी हीरो या हीरोइन का बेटा मतलब इतना पॉपुलर हुआ हो। मुझे याद है कि अभी मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ है, बड़े बेटे का वीरेंद्र चावला का कॉफी विद करण। सो वी डिसाइडेड एक्चुअली इंस्टेड ऑफ रियली हिम टॉकिंग अबाउट इट व्हिच ही कांट वी डिसाइडेड टू एक्चुअली गो टू द पैप। सो हैव अ लुक एट व्हाट द पैप्स हैव टू से अबाउट तैमूर। और अभी तो उसने वेव्स करना स्टार्ट कर दिया, हाय करता है, बाय करता है। इंडिया एज ऑफ नाउ अगर आज बच्चों के अवार्ड फंक्शन हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कैटेगरी में तैमूर को कोई बीट कर सकेगा। नहीं था इतना पापाराजी जो अभी चल रही है फोटोग्राफी वहाँ कब हो तो हम लोग फ्रीलांस फोटोग्राफर पार्टियों फंक्शन जहाँ हमें फोटो अलाउ करते थे मना कर देते थे तब अभी जो बहुत चेंज होगी फोटोग्राफी। तो ये तो कुदरती है कि चेंज तो आएगी। हाँ। आज कुछ चेंज हुआ है कल फिर कुछ और चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कई कई ये भी होता है ना कि आपको उस चेंज को स्वीकार करना होता है तभी आप आगे बढ़ पाते हो।